हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए विशेष जानकारी लेके आई हूँ। आज संडे का दिन है, आज रविवार का दिन है। रविवार के गुरु हैं, लॉर्ड हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव यही कहते हैं कि सूर्य को नित्य जल देना चाहिए और सूर्य के अच्छे प्रभाव के लिए आपको सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। आज मैं आपके साथ विशेष जानकारी साझी करने जा रही हूँ कि धन प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें धन प्राप्ति हो और हमारे घर में बरकत आए। सबसे पहली चीज, जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपको अपना बिस्तर उठाकर उठना चाहिए, आपको अपना बिस्तर इकट्ठा कर। सेकंड टिप ये है कि हम जब भी खाना खाएं, हमें कभी भी अपने खाने के जो हाथ उठे जूठे हाथ ना तो सिर को लगाने चाहिए, ना हमें अपने कपड़ों को लगाने चाहिए। कभी भी जूठे हाथ अपने बालों को, सिर को ना लगाएं और कपड़ों को ना लगाएं। तीसरी चीज ये है, हम जब भी खाना खाकर उठते हैं तो कभी भी हमें अपने हाथ थाली में नहीं धोने चाहिए। उठे और सिंक में वॉश करें तो आपको, नहीं तो अगर आप थाली में हाथ धोते हैं तो आपके सारे ग्रह खराब होते हैं और आपके घर से बरकत चली जाती है। चौथी चीज ये है कि हमें कभी भी अपने कपड़े जब भी हम उतारते हैं तो उल्ट फुल्ट कर नहीं रखने चाहिए और ना ही हमें अपने कपड़े लटका कर रखने चाहिए खूंटियों पर। अगर हम कपड़े लटका कर रखते हैं तो हमारा काम लटकता रहता है और अगर हम अपने कपड़े उल्ट फुल्ट करके रखते हैं, हम अपनी अलमीरा को मैस बनाकर रखते हैं, कपड़े इधर उधर पड़े हैं, उल्ट फुल्ट पड़े हैं, तो आपके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। आपके घर में कभी भी धन की प्राप्ति नहीं होगी, हमेशा धन आपके घर से जाता रहेगा, कभी धन की बरकत नहीं रहेगी। पांचवी चीज ये है कि हम जब भी मंदिर जाएं या किसी के घर जाएं या हम अपने घर आएं, सबसे पहले मंदिर की बात करते हैं। हम जब भी मंदिर जाएं, कभी भी खाली हाथ हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए। अगर हम कुछ भी नहीं लेके जा सकते तो हम चार पुष्प हम लेके जा सकते हैं, चार फूल कहीं से भी ले लीजिए, वो लेकर मंदिर में जाएं। कभी भी खाली हाथ मंदिर नहीं जाना चाहिए, भोग प्रसाद के साथ ही मंदिर जाना चाहिए। छठी बात ये है कि हमें कभी भी, जब भी हम किसी के घर जाएं, जैसे हम अपने मायके जा रहे हैं या किसी बहन के घर जा रहे हैं या किसी भी रिश्तेदार के घर जाएं, तो खाली हाथ मत जाएं, कुछ ना कुछ लेके जाएं, या दो केले ले जाएं, कुछ भी एक फल ले जाएं, लेकिन खाली हाथ कभी भी किसी के घर ना जाएं। सातवीं चीज ये है कि जब भी हम मार्केट से आए तो कभी भी अपने घर में भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, हमें अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए। आपके हाथ में एक आधा फल जरूर होना चाहिए जब भी घर में आए, इससे भी बरकत बनी रहती है और महालक्ष्मी प्रसन्न होकर हमारे घर आती है कि इनके घर में बरकत बनी रहे। उसके बाद आठवीं चीज ये है, हम जब भी पाठ पूजा कर उठे, जब भी हम पाठ पूजा कर उठते हैं तो हमें अपना जो आसन होता है उसे साथ की साथ तय कर फोल्ड कर उठा देना चाहिए, बिछा रहना नहीं चाहिए आसन, इससे भी घर में नेगेटिविटी आती है। उसके बाद कभी भी हमें, एट पॉइंट ये है कि हमें कभी भी एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन बाल नहीं कटाने हैं, नाखून नहीं काटने हैं और बाल धोने नहीं है। इन बातों का प्लीज आप ध्यान रखें और कभी भी इन डेज को हमें सफाई नहीं करनी है सिवाय शनिवार को छोड़कर। शनिवार को हम सफाई कर सकते हैं, शनिवार को आप सफाई कर सकते हैं, लेकिन एकादशी, अमावस्या और मंगलवार और गुरुवार को हमें सफाई भी नहीं करनी है, चाहे वो मंदिर की हो चाहे वो घर की हो। नाइन्थ टिप ये है कि हमें कभी भी दक्षिण डायरेक्शन की तरफ कभी भी पैर कर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये दिशा मृत्यु की मानी जाती है। जब इंसान मरता है तब हम दक्षिण दिशा की तरफ उनके पैर करते हैं, तो हमें कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर कर नहीं सोना चाहिए। टेंथ चीज ये है कि हमें कभी भी, जो भी हम शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, कोई भी हमारे घर में शुभ कार्य होता है,
वो कभी भी दक्षिण दिशा में बैठ के नहीं किया जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा मैंने पहले भी बताया मृत्यु की दिशा है। तो हम जब भी कोई सैड काम होता है, जब भी किसी की मृत्यु होती है, तो उसको दक्षिण दिशा की तरफ पैर कर डाला जाता है। इसलिए हमें कोई भी शुभ कार्य दक्षिण दिशा में बैठकर नहीं करना। दहलीज, घर की दहलीज पर खड़कर हमें कभी भी कोई देने लेने का काम नहीं करना है। घर की दहलीज पर खड़कर हमें संध्या के काल, स्पेशली शाम के समय, कभी भी किसी से बातें नहीं करनी है, बातचीत नहीं करनी है। अगर आपने करनी है तो दहलीज से अंदर आकर करें। कभी भी दहलीज में खड़कर कोई भी देने लेने का काम या किसी से बातचीत जो हम करते हैं वो कभी नहीं करनी चाहिए। इससे भी महालक्ष्मी रूठ जाते हैं और हमारे घर में कभी घर में जूते चप्पलें कभी भी बिखरी नहीं होनी चाहिए। इससे ये वाली टिप मैं हर वीडियो में देती हूँ। अगर आपके जूते चप्पलें बिखरी रहती हैं तो आप पर शनि का प्रभाव और राहु का प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। इसलिए आपको अपनी जूते चप्पलें संजो कर रखनी चाहिए। ऐसे भी मत करें जो पुरानी जूते चप्पलें हैं, कई लोग वो भी संजो कर रखते हैं, वो हमें नहीं संजो कर रखनी है। जो आपकी जो पुराने जूते चप्पलें हैं टूट गई हैं, फट गई हैं, उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, उन्हें फेंक दीजिए। अगर नहीं फेंकेंगे तो वो आपके घर में दरिद्रता का कारण बनेंगी और आपके घर में नेगेटिविटी लेगी। अब मैं आपके साथ बात करूंगी कि जो महिलाएं होती हैं उन्हें 19 तारीख को तीज पड़ रही है, तियां तीज की पड़ रही है, उस समय जो महिलाएं हैं उन्हें क्या क्या श्रृंगार में चीजों का यूज करना चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए जिससे उनके हस्बैंड का भाग्य उदय हो, जो चीजें वो अडॉप्ट करें और जिससे वो करने से उनके हस्बैंड के भाग्य दरिद्रता में बदल जाएगा, वो क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है। सबसे पहली चीज, जो महिलाएं हैं, मैरिड महिलाएं हैं, उन्हें सावन के महीने में तीज पर हरे रंग की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। कांच की हरे रंग की चूड़ियां जरूर पहने, इससे आपके हस्बैंड का भाग्य उदय होगा। दूसरी बात यह है कि जो भी महिलाएं हैं, मैरिड हैं, स्पेशली मैरिड लेडीज के लिए कह रही हूं, लेकिन जो लड़कियां भी हैं उन्हें भी ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। सावन के महीने में कभी भी हमें काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमें काले वस्त्र नहीं पहनने हैं। लाल रंग के वस्त्र पहने या रंग बिरंगे वस्त्र पहने या हरे रंग के कपड़े पहने, इससे भी हमारी जो हरियाली तीज आती है उस पर, इसीलिए मान्यता है कि हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चूड़ियां और हरे रंग की बिंदी लगाई जाती है, इससे हमारे हस्बैंड का, हमारे पति का भाग्य उदय होता है। तीसरी चीज हमें जब भी हम श्रृंगार करें, जब भी मैरिड लेडीज श्रृंगार करने जाती हैं तो उन्हें हरे रंग की बिंदी लगानी चाहिए, या लाल रंग की या हरे रंग की बिंदी लगाएं, जिससे आपके हस्बैंड का भाग्य उदय हो। और काले रंग की अगर बिंदी लगाते हैं तो आपके हस्बैंड का भाग्य, आपके हस्बैंड की भाग्य दरिद्रता में बदलता है। चौथी चीज ये है कि हमें पूरा सावन के महीना, स्पेशली जो पूरा सावन नहीं कर सकते, तो तीज के दिन में हमें अपना मांग पूरी भर कर रखनी चाहिए। सिंदूर से लाल रंग की मांग, लाल रंग के सिंदूर से अपनी मांग पूरी भर कर रखनी चाहिए, जिससे हमारे, जब भी हम मांग भरते हैं तो हमें शिवजी से वर मिलता है, शिवजी से सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलता है। सो हमें अपनी पूरी आगे से लेकर पीछे तक मांग भरनी चाहिए, इससे हमें, हमारे पति की आयु लंबी होती है और बीमारियों से निजात मिलती है। पांचवा टिप ये है कि हमें सावन के महीने में मैरिड लेडीज को स्पेशली बिछुए और पायल जरूर पहननी चाहिए। बिछुए और पायल पहनकर सावन के महीने में अगर हम रखते हैं, जो छन छन करने वाली पायल है वो हमें पहननी चाहिए, इससे हमारे हस्बैंड का तो भाग्य उदय होता ही है। जब भी हम घर में छन छन की आवाज होती है तो शिव जी और पार्वती स्वयं आकर हमें अपने घर में आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती का भी और बरकत का भी और धन लाभ का भी आशीर्वाद देते। आज उसके बाद मैं आपको कुछ और टिप्स दे रही हूं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है,
वो कौन सी टिप है? सबसे पहली टिप, जो भी इंसान पैर घसीट कर चलता है या पैर की आवाज कर चलता है, उस इंसान के घर में दरिद्रता जरूर वास करती है। कभी भी पैर घसीट कर ना चले या पैर की आवाज ना करे। जितना आप पैर को दबाकर रखेंगे, शांति से रखेंगे, बहुत प्यार से रखेंगे, उतना आपके घर में महालक्ष्मी का वास होगा और आपके जिंदगी में ठहराव आएगा। दूसरी चीज, जो भी हम सुबह उठकर पौधों को पानी देते हैं तो हमारे चंद्रमा, बुध, शुक्र और सूर्य ग्रह, ये सारे ठीक होते हैं। तो हमें सबसे पहले नित्य उठकर पौधों को पानी जरूर देना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि जब भी हमारे घर कोई भी इंसान आए, चाहे वो मेहमान हो या वो कोई डिलीवरी बॉय तक हो, हमें उसे स्वच्छ पानी जरूर पिलाना चाहिए। जब भी हम उसे स्वच्छ पानी पिलाते हैं तो एक तो हमारा चंद्रमा अच्छा होता है, पानी चंद्रमा का कारक है। दूसरा राहु ग्रह जिसका भी नेगेटिव है, उन्हें तो जरूर पानी की शिविर लगानी चाहिए या जो भी हमारे दरवाजे पर आता है उसे पानी, स्वच्छ पानी और अच्छा पानी जरूर पिलाएं, क्योंकि उससे हमारे राहु की जो नेगेटिविटी है, जो राहु का बुरा प्रभाव है, वो ठीक होता है और राहु ग्रह अच्छे फल देने में सक्षम होता है। चौथी टिप ये है कि जब भी हम बाथरूम में, हमारे बाथरूम में कपड़े इधर उधर बिखरा कर रखते हैं, एक जगह पर, एक टोकरी पर में नहीं रखते, धोने वाले कपड़े हैं, हमने उतारे और ये ऐसे फेंक दिए या खूंटियों पर लटक रहे हैं या हम इधर उधर फेंक रहे हैं बाथरूम में, कहीं कहीं पड़ा है आपका कपड़ा, कोई कहीं पड़ा है, तो इससे हमारा शनि खराब होता है। जिस भी इंसान का शनि खराब होता है वो इंसान बीमारियों से जूझता है, वो इंसान को सक्सेस बहुत डिलेज से मिलती है, वो इंसान स्पेशली बीमारियां उनके घर में वास करती हैं। जब हमारे घर में बीमारी वास करेगी तो हमारा पैसा बीमारी में लगेगा, तो घर में बरकत कभी भी नहीं आएगी। चौथी टिप ये है कि जब भी हम अपनी किचन गंदी रखते हैं, किचन में अगर गंदगी होगी तो किचन हमारी साफ नहीं होती। कई बहनों को आदत है कि ऐसे ही किचन छोड़कर खाना खाने लग जाती हैं। सबसे पहले अपनी किचन को साफ करें फिर खाना खाने बैठे। अपनी किचन गंदी कभी मत छोड़े। जब भी हम अपनी किचन गंदी छोड़ते हैं तो मंगल ग्रह खराब होता है। जिस भी इंसान का मंगल ग्रह खराब होता है वो कर्जे में डुबो देता है। आपके घर में जितना भी पैसा आता है वो बीमारियों में चला जाता है या कोर्ट कचहरी में चला जाता है, वो कर्जा लेके आता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी किचन बहुत संजोकर और साफ सुथरी रखनी चाहिए और सजाकर रखनी चाहिए। और ट्राई करिए कि दिन की एक मील जरूर किचन में खाएं, जिससे आपका मंगल ग्रह सौभाग्यवती का भी और बरकत का भी और धन लाभ का भी आशीर्वाद देते हैं। सो इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार दीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ कल फिर आपको मिलूंगी। सो तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।